चाहते हैं कि हे प्रभु, एक बार इस पतित के घर पे भी आ जाओ, एक बार प्रभु इस गरीब के घर पे आ जाओ, मेरी कुटिया में आ जाओ। यही तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज जब सब गांव के लोग बैठे हैं तो ये बात नंद बाबा और जितने भी बड़े घर के गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, सबको ये बातें अच्छी लगी कि सही में आए दिन अलग अलग घटनाएं घटती जा रही है। बकासुर, अधासुर, पूतना, उच्चक, आए दिन यहाँ के बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ से कहीं और चले? तो कहाँ जाना चाहिए? तो प्रभु ने भी यहाँ एक ऐसी लीला करी कि बगल के ही कुछ दूर में एक वृंदावन वन है। वृंदावन वन है, वहां लताएं पताएं, वृक्ष, झरना, गौ माता के खाने के लिए हरी हरी घास, फल फूल, झरने, सब कुछ है। क्यों नहीं हम लोग वहीं चले? ये बात सबों को अच्छी लगी कि लाला छोटू तो जरूर है लेकिन बात बड़ी पत्ते के करो। बात बहुत अच्छी करता है लाला। और आज सब अपने अपने बैलगाड़ियों में सवार होके सारा सामान लेकर चल पड़े हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर निकले हैं, पूरा गांव खाली, सब वृंदावन पहुंचे हैं। और जैसे वृंदावन पहुंचे, वो सुंदर वन उपवन, वो सुंदर प्रकृति, सुंदर सुंदर फल लगे हैं, भीनी भीनी फूलों की खुशबू आ रही है, चारों तरफ वातावरण सुंदर सुगम है, सुंदर है। आज सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और आज कन्हैया कह रहे, मैया मैं भी अब छोटा नहीं हूं, मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया हूं, मैं भी गोचारण को जाऊंगा। मैया कहती है, तू इतना छोटा है, गोचारण करने के लिए बड़ा होना जरूरी होता है। तो कहते हैं कन्हैया, मैं छोटा जरूर हूं, मेरे सखा तो बड़े हैं, मेरे सखा तो बड़े हैं ना। और आज देखिए कन्हैया कहते हैं ना, गोधली बेला, गोधली यानी गौ को जब लेके आते हैं वो गोधली होता है। लेकिन सच्चाई क्या है बात कि गोचारण करके जब आते हैं ना, उसको कहते हम लोग दोनों गोचारण का समय है गोधली मेला। इसलिए उस वक्त महिलाओं से एक अनुरोध है, गोधली मेला के वक्त भगवान कृष्ण अपने घर आते हैं, कन्हैया अपने घर आते हैं ठाकुर जी, उस वक्त अपने घर में संध्या बत्ती करो। उस वक्त माताओं को केस खोलकर कंघा नहीं करना चाहिए, ना ही उस वक्त घर के दरवाजे पे कुछ खाना चाहिए। वो वक्त है भगवान का वक्त, ईश्वर का वक्त है गोधली बेला, इसका ध्यान रखें। तो सब जितने ग्वाल बाल हैं वो सब निकले हैं और गौ माताएं नाच रही हैं। कन्हैया अपने सखाओं के साथ, गौ माता के साथ, बछड़ों के साथ एक टोली बनाकर वृंदावन में खूब मस्ती कर रहे हैं। गौ माता के लिए हरी हरी घासें हैं, पीने के लिए मीठा जल है जमुना का, बच्चों के खाने के लिए फल हैं,
और साथ में पोटले में तो माखन रोटी मिश्री है। बच्चे खूब आपस में खेल रहे हैं, गौ माताएं मोर पक्षी सब कन्हैया के आने से उस वृंदावन का रौनक ही बदल गया है। कहते हैं कि वृंदावन का एक पक्षी भी भाग्यशाली है जो वृंदावन में चहकता है। कौन जाने वृंदावन में कोई वृक्ष किस कोई संत हो कोई देवी हो, वहां का एक एक कण कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो आज कन्हैया अपने सखाओं के साथ में है और क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया ताली की सेवा के थोड़ी ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल, छोटी
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी 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 छोटे छोटे हाथ बंसी बजाए मारो बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो छोटी सखियां मधुबन वास रास रचायो मेरो रास रचायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल लंबी बांसुरी छेड़े मीठी तान
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौचारण करने पहुंच जाते हैं और बाल सखाओं के साथ गोपियों के साथ आनंदित होते हैं वृंदावन में। आज भी कुछ तुलसी की जो पौधे उस द्वापर युग में था, पूरा वृंदावन तुलसी के ही जंगल थे, आज कुछ बच गए हैं जिसको निधि वन के नाम से जानते हैं। आज भी प्रभु का वहां नित्य दिन महारास होता है रात में। जितनी भी तुलसी के पौधे हैं वो एक दूसरे में लिपटे हुए हैं, जैसे लगते हैं कि श्याम सुंदर आने वाले हैं और उनके चरणों को स्पर्श करना है, ऐसा दिखती है। आज भी सुरक्षित है मेरे भाई बहन। अनेक अनेक लीला प्रभु ने उस ब्रजधाम ब्रजधारा पे किया जिसको हम लोग आज भी श्रवण कर रहे हैं। आज जमुना जी में सारे बच्चे ग्वाल बाल वहीं पे नहाते हैं, स्नान करते हैं, जमुना का मीठा जल पीते हैं। लेकिन आज क्या, आज देखा कि जो भी जमुना का जल पी रहा है वो बच्चे मूर्छित हो जा रहे हैं। यहां तक कि अगर एक कौवा भी एक पक्षी भी कुछ भी उस जमुना जी से ऊपर पार हो रहा है वो उस जमुना जी में गिर जा रहा है मृत होकर। ऐसा क्यों? प्रभु यहां भी एक लीला कर रहे हैं। कालिया नाग है उसी जमुना जी में निवास करता है अपने पूरे परिवार के साथ, खेल खेल के बहाने आज प्रभु ने लीला करी। आज हम लोग फूल गेंदा खेलेंगे, गेंद फेल फेंक फेंक के खेलना। और आज बलराम जी नहीं आए हैं, आज कन्हैया अपने सखाओं के साथ हैं और सखाओं के साथ हैं। गेंद खेलते खेलते गेंद जमुना जी में चला गया, सारे बच्चे घबरा के कृष्ण की ओर देख रहे हैं, कन्हैया की ओर देख रहे हैं। क्या हुआ? कन्हैया तो लीलाधारी है, वो तो वही करना चाह रहे थे। झट जमुना जी में छलांग लगाई और एकदम जमीन एकदम रसातल में चले गए जहां नाग नागिन का बसेरा था। नागिन देखी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, आप लोग यहां नहीं रह सकते हो। और प्रभु ने नाग को नथ के शेष नाग को नथ के प्रभु ने उनके मस्तक पे नृत्य करते हुए बांसुरी बजाते हुए जमुना जी से बाहर आते हैं। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय। ये कालिया नाग जिसके जहर से पानी दूषित हो रहा था, भगवान ने उसे भी उद्धार किया और कहा
कि क्षीर सागर में चले जाऊं। जमुना मैया को प्रभु ने स्वच्छ किया, निर्मल किया। जब ये बात मैया को पता चली कि लाला जमुना जी में कूद पड़े हैं, होता क्या है ना कि आप किसी की बात आधा ही सुनते हैं, कूदे ये तो खबर चली गई, निकले ये खबर तो नहीं आई। अब जितने भी ब्रजवासी हैं सब जमुना जी की तरफ दौड़े, देखा सब बच्चे हतोत्साह होकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि कन्हैया तो जमुना जी में। और तभी भगवान ने बांसुरी की मीठी तान बजाते हुए भगवान प्रकट होते हैं और मैया झट अपने लाला को लेती है और ले जाकर कान पकड़ के कहती है कि लाला तू छोटा है, अभी कुछ हो जाता तो क्या होता। भगवान तो लीला कर रहे थे, मैया को शांति मिली। जब कन्हैया को आंगन आलिंगन लिया मैया ने, तब जाके मां को शांति मिली। तो अनेक अनेक लीला भगवान ने किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज पूरे गांव में सब जितने बड़े हैं वो सब एक जगह एक स्थान पर बैठ के विचाराधीन मुद्रा में हैं, विचार कर रहे हैं। विचार क्या है? विचार ये है कि वर्षा ऋतु आने वाली है और वर्षा इंद्र की वजह से होती है, तो हर साल वर्षा अच्छी हो ये मानकर इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया, तेरा बाका मुकुट, तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी छटा, तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी छटा, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया।
होश है ना ख्याल है, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तेरी बाकी अदाने ओ सामने, तेरी बाकी अदाने ओ सामने, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। शौक था हो